हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था प्लेइंग विथ नंबर्स। इस चैप्टर में हमने बोर्ड मास का रूल पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि नंबर्स के कितने टाइप होते हैं, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर क्या होते हैं, ये सब हमने कवर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होता है, किसी भी नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं तो उसको डिवाइड करने के क्या क्या रूल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। जैसे पहले हम ये समझेंगे कि डिविजिबल, डिवाइडेड, क्वार्टेड और रिमाइंडर किसको बोलते हैं। कोई भी नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं तो वो क्या होगा, डिवाइडेड। किस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं वो हो जाएगा डिविजिबल, ठीक है। जितने टाइम्स डिवाइड जाता है वो हो जाता है आपका क्वार्टेड, ठीक है। और अगर डिवाइड के बाद कोई नंबर रह जाता है तो उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। जैसे हमने एग्जांपल लिया 15, ठीक है, हमने एग्जांपल लिया 15, 15 को हम डिवाइड करवा रहे हैं 2 से, कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम्स गया और 14 आ गया, ठीक है। जब हम 15 में से 14 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 रह जाएगा, तो 2 क्या हो गया यहाँ पे, डिविजिबल। 15 क्या हो गया, डिवाइडेड। कितने टाइम्स आ रहा है, 7 टाइम्स, तो 7 क्या हो जाएंगे, क्वार्टेंट हो जाएंगे। और लास्ट में अगर 0 रहता है, रिमेनिंग 0 रहता है, तो हमारा डिवाइड जो है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई नंबर अगर रह जाता है तो वो रिमाइंडर कहलाता है। हमारे पास भी 1 रह गया है यहाँ पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाय 2। कोई भी नंबर को 2 से डिवाइड करने की क्या कंडीशन होती है, द लास्ट डिजिट इज 0, 2, 4, 6, 8। मतलब कोई भी डिजिट हो, कोई भी नंबर हो, उसकी लास्ट डिजिट क्या आनी चाहिए, 0, 2, 4, 6 या फिर 8, तभी वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पे हमने लिया 2000, क्या 2000 2 से डिवाइड है, हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि हाँ ये डिवाइड है। क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और हमने पढ़ा था कि जो जिसके लास्ट, जिस नंबर के लास्ट में 0 आता है वो क्या होती है, 2 से डिवाइड होती है। हमने एग्जांपल लिया 27, क्या 27 डिवाइड है 2 से, नहीं है, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 7 है। और यहाँ पे 7 नहीं है, यहाँ पे क्या है, या तो 6 आनी चाहिए या फिर 8 आनी चाहिए। तो यहाँ पे ना 6 है ना 8 है, 0 भी नहीं है, 2 भी नहीं और 4 भी नहीं है, तो ये डिवाइड नहीं होगी, 27 2 से डिवाइड नहीं होगी। जैसे हमने और एग्जांपल ले लेते हैं 5, 2, 6, ठीक है, 5, 2, 6 जो है वो 2 से डिवाइड होगा क्या, आप कहोगे हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 6 है। और हमने पढ़ा था कि जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आए वो डिजिट 2 से डिवाइड हो जाएगी, तो ये भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी। कम्प्लीटली डिवाइड का मतलब क्या है कि लास्ट में रिमाइंडर में हमारे पास 0 आना चाहिए, 0 के अलावा कोई भी नंबर आते ही वो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, और उसको हम कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं बोलेंगे। सेकेंड रूल है हमारे पास डिविजिबिलिटी बाय 3। कोई भी नंबर हो उसको 3 से डिवाइड करने का क्या रूल होता है, कि जितने भी नंबर हमको दे रखे हैं उन सब डिजिट को जब हम सम करेंगे, मतलब ऐड करेंगे, तो वो 3 से डिवाइड होने चाहिए। एग्जाम्पल से देखते हैं हम, जैसे हमने लिया 216, ये कोई नंबर है, इसको हमें 3 से डिवाइड करवाना है और बताना है कि ये 3 से डिवाइड है या नहीं। तो आप इसको डायरेक्ट कैसे करोगे, 2 + 1 + 6 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। और क्या 9 3 के टेबल में आता है, यस आता है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। वापिस समझ लो, जितने भी नंबर्स या जितनी भी डिजिट दे रखी हो उनका सम कर दो, मतलब उनको ऐड कर दो। ऐड करने के बाद आपके पास जो नंबर आए, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड
पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाय फोर। किसी भी नंबर को फोर से डिवाइड करने की क्या रूल होती है? इसमें क्या याद रखना है, इफ द लास्ट टू डिजिट इज डिविजिबल बाय फोर, अगर कोई भी नंबर है उसकी लास्ट दो डिजिट क्या हो रही हो, फोर से डिवाइड हो रही हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो पूरा नंबर फोर से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। या फिर लास्ट के जो दो नंबर है उनमें क्या हो, जीरो हो। जैसे 300, क्या 300 फोर से डिवाइड होगा? इसके लास्ट में क्या है, डबल जीरो, तो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे करके देख लेते हैं, फोर के टेबल में जब हम बोलेंगे तो सेवन टाइम्स बोलने पे क्या आएगा, 28। यहाँ पे कितना रिमाइंडर रहा, टू। ऊपर से हमने जीरो कैरी किया, फोर के टेबल में 20 आता है, यस आता है फाइव टाइम्स। तो यहाँ से क्या हो गया, ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। मतलब हमारा ये जो रूल है कि लास्ट टू डिजिट इज जीरो, लास्ट के दो डिजिट अगर जीरो आती है तो हमारा जो पूरा नंबर है वो फोर से डिवाइड हो जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है। अब जैसे हमने जो फर्स्ट लाइन पढ़ी थी कि लास्ट दो डिजिट चार से डिवाइड होनी चाहिए, जैसे हमने एग्जांपल लिया 4, 5, 6, इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 56। तो क्या 56 फोर से डिवाइड है? 56 को फोर से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, हाँ ये डिवाइड है, ठीक है। यहाँ से क्या है, 14 टाइम्स ये डिवाइड चली गई और लास्ट में जीरो रिमाइंडर के रूप में रह गया, मतलब ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गई। तो हमें इसमें टोटल चाहे कितने भी बड़े नंबर हो उनको हमें पूरी तरह से डिवाइड करवाने की जरूरत नहीं है, बस लास्ट दो नंबर को चेक करना है कि या तो वो जीरो हो या फिर वो फोर से डिवाइड हो रहे हो। तो इसी रूल को हम बोलते हैं डिविजिबिलिटी बाय फोर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाय फाइव। कोई भी नंबर हो उसको हम फाइव से डिवाइड करवाते हैं तो उसके क्या रूल्स होते हैं? सिर्फ हमें एक बात याद रखनी है कि लास्ट डिजिट क्या हो, या तो फाइव हो या फिर जीरो हो। कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर लास्ट में फाइव या फिर जीरो आ रहा है तो वो नंबर फाइव से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 2, 5, 3, 5, 5, 0, ये इतना बड़ा एग्जाम्पल लिया हमने, ठीक है। तो हमें चेक करवाना है कि ये 5 से डिवाइड है या नहीं। इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये पूरा नंबर हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 2, 5, 5, ठीक है, इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 5 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे चेक कर लेना, जब हम इसको 5 से डिवाइड करवाते हैं 5 टाइम जाएगा 25, देन 5 से फिर से करवाएंगे तो 1 टाइम जाएगा और क्या आ जाएगा आपका आंसर, 51। 51 टाइम्स जब हम डिवाइड करवाएंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इससे क्या पता चलता है कि हमने जो रूल पढ़ा था कि लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, या तो 5 होनी चाहिए या फिर 0 होनी चाहिए, तो हमें इसको पूरा डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये पूरे डिजिट जो है वो 5 से डिवाइड है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाय 6। कोई भी नंबर को 6 से डिवाइड करने के क्या रूल है? इसमें हमें एक बात याद रखनी है, इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3, वो नंबर 2 और 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 2, 2, 8, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि ये 2 से डिवाइड होता है क्या, आप डायरेक्ट बोल दोगे यस होता है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 8 है, तो ये 2 से डिवाइड हो गया। ये 3 से डिवाइड होगा क्या, क्या क्या चेक करोगे आप, 2 प्लस 2 कितने होते हैं, 4, 4 और 8 कितने हो जाएंगे, 12, 12 3 के टेबल में आता है या नहीं आता, आता है, मतलब ये 3 से भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अगर इन दोनों नंबर से डिवाइड है तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। क्यों होगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय कितना होता है, 2 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो क्या आएगा, 6। मतलब आप डायरेक्ट ऐसे भी चेक कर सकते हो, जिसके लास्ट में क्या हो, इवन नंबर हो, वो 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। 3 से कैसे करोगे, इन सबका सम 2 प्लस 2 प्लस 8 कितना आया, 12 आ गया,
12 क्या है, 3 से डिवाइड है और 6 से भी डिवाइड है। ये 6 से डिवाइड है या नहीं ये नंबर हमें चेक करना है। 2 2 8 6 से डिवाइड करवाया कितने टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स। यहाँ पे क्या आ गया 18, रिमेनिंग में क्या बचा 4, यहाँ से हमने 8 कैरी किया। 6 के टेबल में 48 आता है क्या, 8 टाइम्स करने पे 48 आ जाता है। मतलब हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो सही है कि 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो तो वो ऑटोमेटिकली 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास डिविजिबिलिटी बाय 7। इसको अच्छे से समझना क्योंकि इसमें दो टर्म में डिवीजन होगा। फर्स्ट हमें क्या याद रखना है कि कोई भी नंबर हमको दिया गया हो उसकी जो लास्ट डिजिट है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और सेकंड बात हमें क्या याद रखनी है, लास्ट डिजिट को हटाकर जो डिजिट हमारे पास रहती है उसमें से ये ऊपर वाला जो हमने प्रोसेस किया है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 3 4 3, ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल लिया, इसकी लास्ट डिजिट क्या है 3। तो फर्स्ट आपको काम क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, क्या आया 6 आ गया, ठीक है। अब हमें सेकंड काम क्या करना है, जो बाकी की डिजिट है, बाकी क्या बची 34, 3 को आप निकाल दोगे तो बाकी क्या बचा 34। तो 34 में से आपको क्या माइनस करना है, यहाँ जो डिजिट आई है वो आपको 34 में से माइनस करना है। इसको हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 28। तो क्या 28 7 के टेबल में आता है, यस आता है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है 7 से 4 टाइम्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या है, 7 से डिवाइड है। तो हमें दो बातें याद रखनी थी, सबसे पहले कि जो लास्ट डिजिट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, लास्ट डिजिट को हटाने के बाद जो भी नंबर हमारे पास बचता है उसको जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया है 3 मल्टीप्लाई 2, फिर जो नंबर आया उस पर माइनस कर देना है इस वाले नंबर से। तो हमारे पास जो नंबर आएगा अगर वो 7 से डिवाइड है तो ये आपका पूरा नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 7 से। नेक्स्ट हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 8। 8 से कोई भी नंबर को डिवाइड करने के क्या रूल होता है, तो हमें ये याद रखना है इफ द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। अगर कोई भी नंबर दिया गया है उसकी लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट जो है वो अगर 8 से डिवाइड हो रही है कम्प्लीटली तो वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 1,23,456, ये हमने एग्जाम्पल लिया। अब हम चेक करवाएंगे इसकी लास्ट के 3 डिजिट क्या है, 456 456। क्या 456 8 से डिवाइड है, तो हम यहाँ पे डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 8 से जब हम डिवाइड करवाएंगे 5 टाइम्स जाएगा, क्या आ जाएगा 14। सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, देन हम लेंगे 6। क्या 8 के टेबल में 56 आते हैं, आप कहोगे यस आते हैं। 7 टाइम्स गया कितना आ गया 56। तो यहाँ से ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब हमने जो नंबर लिया था 1,23,456 ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 8 से, क्योंकि इसकी लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रही है। तो यहाँ ये रूल आराम से फॉलो हो रहा है, ये सही होगा। नेक्स्ट है हमारे पास डिविजिबिलिटी बाय 9। कोई भी नंबर को 9 से डिवाइड करने के क्या रूल होते हैं, इसमें भी जैसे 3 में था कि जितनी भी डिजिट दे रखी हो अगर उनका सम करने पर वो 3 से डिवाइड होती है तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। वैसे ही इसमें है सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। अगर कोई भी डिजिट हमने दी है उसको उसकी सारी डिजिट को जब हम सम करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 9 से डिवाइड है तो पूरी डिजिट 9 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे हमने एग्जांपल लिया 3 8 7, क्या ये डिवाइड होगा, तो हम चेक करवाते हैं 3 + 8 + 7 कितना आ जाएगा 8 + 3 11, 11 में 7 ऐड किए कितने आ जाएंगे 18।
क्या 89 से डिवाइड होता है? यस होता है। तो ये पूरी डिजिट भी क्या हो जाएगी? 9 से डिवाइड हो जाएगी। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि 3 और 9 में जितनी भी डिजिट दे रखी है उन सब का सम करने पे जो आता है, अगर वो 3 से के टेबल में आ रहा है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, अगर 9 के टेबल में आ रहा है तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 10। कोई भी नंबर हो, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, अगर उसके लास्ट डिजिट में 0 आ रहा है तो ये सिंपल सी बात है वो 10 से डिवाइड हो जाएगा, चाहे 1,23,450। ये आप देखते ही बता दोगे कि ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा 10 से। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? 0 आ रहा है। कोई भी नंबर है 50, 600, 2000, ये सब क्या होंगे? 10 से डिवाइड होंगे, क्योंकि इनकी लास्ट डिजिट क्या है? 0 है। तो जिस नंबर के लास्ट में 0 आता है वो 10 से कम्प्लीटली डिविजिबल होती है। नेक्स्ट है हमारे पास डिविजिबिलिटी बाय 11। कोई भी नंबर को 11 से डिवाइड करने के क्या रूल होते हैं? तो सबसे पहले है हमारे पास इसके दो रूल्स होते हैं। तो पहले हम फर्स्ट वाला पढ़ते हैं, फॉर टू डिजिट नंबर इफ इज डबल। ठीक है, अगर ये डबल होती है, कौन से डिजिट? जैसे दो डिजिट है 22, 33, 44, 99, अगर दो दो के जोड़े में है, मतलब दो दो नंबर है और दोनों ही नंबर क्या हो? सेम हो, तो वो 11 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इसका नेक्स्ट रूल क्या हो जाएगा? ये है इसका सेकेंड रूल। सबसे पहले आप क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। मतलब ऑड प्लेसेस कौन से होंगे? फर्स्ट पे, थर्ड पे और फिफ्थ पे। मतलब ऑड नंबर क्या होते हैं? फर्स्ट, थ्री, फिफ्थ, सेवंथ, नाइन्थ। ठीक है, इन प्लेसेस पे आपको ये नंबर नहीं देखने, आपको प्लेसेस देखने हैं कि इन प्लेसेस पे जो नंबर होंगे उनका आपको सम करना है। तो यहाँ पे ऑड प्लेसेस पे कौन सा नंबर है? फर्स्ट पे है आपका 6, तो 6 ले लिया। थर्ड पे है आपका 3, तो प्लस 3। फिर है आपको 8, यहाँ पे 8 ले लिया। ठीक है, आपको इनका ऐड करना है। ऐड करने पे क्या आएगा? 17। यहाँ से क्या आ गया? 17। अब इवन प्लेसेस की बारी, मतलब सेकेंड नंबर पे कौन सा आ रहा है, फोर्थ नंबर पे कौन सा आ रहा है और सिक्स नंबर पे कौन सा आ रहा है। तो सेकेंड नंबर पे 2 ही आ रहा है, तो 2 प्लस। फिर आपके पास फोर्थ नंबर पे क्या आ रहा है? 3, तो 3 प्लस। सिक्स्थ नंबर पे आपके पास क्या आ रहा है? 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1। 2 प्लस 3 प्लस 1 कितने होते हैं? 6 हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपको क्या याद रखना है कि जब आप ऑड प्लेसेस का सम कर लोगे और इवन प्लेसेस पे जो डिजिट है उनका सम कर लोगे, तो आपको थर्ड बात क्या याद रखनी है, इन दोनों का आप डिफरेंस करवा दोगे। 17 माइनस 6 क्या हो जाएगा? 11। 11 से 11 कम्प्लीटली डिवाइड होता है। इसका मतलब हमने ये जो इतनी बड़ी डिजिट ली थी वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी 11 से। वापिस सुन लो, ऑड प्लेसेस पे मतलब फर्स्ट नंबर पे, थ्री नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे, सेवंथ नंबर पे जो भी डिजिट्स आती हैं उन सब का सम कर लो, मतलब ऐड कर लो। फिर आपको देखना है कि बाकी जो नंबर बचे हुए हैं इवन प्लेसेस वाले, मतलब जो सेकंड नंबर पे आ रहा है, फोर्थ नंबर पे आ रहा है, सिक्स्थ नंबर पे आ रहा है, आप उन सबको ऐड कर लोगे। देन आपको क्या करना है, जब आपके पास ऐड किए हुए नंबर्स आ जाएंगे तो आपको उन दोनों का डिफरेंस कर देना है। फिर जो नंबर आएगा अगर वो 11 से डिवाइड है तो ये पूरी डिजिट 11 से डिवाइड हो जाएगी। लास्ट डिविजिबिलिटी रूल है हमारे पास डिविजिबिलिटी बाय 12। अब हम देखेंगे कोई भी नंबर 12 से किस तरह से डिवाइड होता है, उसके पीछे रूल क्या होता है। इसका रूल है इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 4। अगर वो नंबर 3 और 4 दोनों से डिवाइड होता है तो इसका मतलब है वो 12 से भी डिवाइड होगा। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 6, 4, 8। ठीक है, तो 3 से डिवाइड करवाने का क्या रूल था?
इनको ऐड कर दो, 3 + 4 + 8 क्या आ गया 18। 18 3 से डिवाइड होता है, आप कह दोगे यस, ये क्या हुआ 3 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट आपको चेक करवाना है कि ये नंबर 4 से डिवाइड है या नहीं। तो आपने पढ़ा था कि 4 की डिविजिबिलिटी चेक करवाने का क्या रूल होता है, आपकी जो लास्ट डिजिट है, लास्ट की जो दो डिजिट है, ये याद रखना, लास्ट की जो दो डिजिट है वो या तो 0 आनी चाहिए या फिर ऐसी आनी चाहिए कि 4 से डिवाइड हो जाए। तो इसकी लास्ट डिजिट क्या है 48 कितने टाइम्स जाएगा, 12 टाइम्स जाने पे ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 3 से डिवाइड और ये हो गया 4 से डिवाइड, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, ये जो नंबर है वो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो 648 को जब आप 12 से डिवाइड करवाओगे तो क्या आएगा, 5 टाइम जाएगा और 60। देन क्या बचा आपके पास 48। क्या 12 के टेबल में 48 आता है, आप कहोगे यस, 4 टाइम्स बोलने पे 48 आ गया। तो यहां से ये पता चलता है कि कोई भी नंबर दे रखा हो अगर वो 3 और 4 दोनों से कम्प्लीटली डिवाइड होगा तो वो 12 से भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हमारी आज की क्लास यही खत्म होती है। इस क्लास में हमने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े कि किस तरह कोई भी नंबर को डिवाइड करने के क्या रूल्स रहते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।